जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर आने वाला है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, तो आपको उससे पहले अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे एसएससी के 16 पेपर है 2019 के, जितने भी पालियों में पेपर होते हैं उनके सारे क्वेश्चन जीके के यहाँ पे करवा करा जाएंगे और सारे क्वेश्चन हूबहू है दोस्तों, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपन 1 मार्च को सेकंड पाली का जो 2019 का पेपर था, जीके के टोटल 25 क्वेश्चन थे, सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, जो 103वां संवैधानिक संशोधन है वह हमारे आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल का पहला युग था उससे पहले युग को हम दोस्तों पुरापाषाण युग कहा जाता है। क्या दोस्तों? पुरापाषाण युग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों, जो फ्रांसीसी यात्री थे फ्रांसवा बर्नियर, वह सन 1656 में भारत आए थे। दोस्तों, कब आए थे? 1656 में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय कटौती के रूप में कर कटौती द्वारा विकास के बदलाव बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रही है? दोस्तों, जो राजकोषीय कटौती में कर कटौती के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार विस्तारवादी का बढ़ावा दे रही है, किसके? दोस्तों, विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो मछली होती है उसके समूह को स्कूल कहा जाता है। क्या दोस्तों? स्कूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह के लिए कितनी दूरी तय की गई थी? दोस्तों, नमक सत्याग्रह के लिए 141 मील की दूरी तय की गई थी। आंसर में मिस प्रिंट हो चुका है दोस्तों, जो 241 मील की दूरी तय की गई थी नमक सत्याग्रह में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, अजमेर में जो उर्स महोत्सव होता है वह ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। किसके? दोस्तों, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य ने शुरू किया था? दोस्तों, जो खो खो खेल का उसका रन एंड टच खेल के बारे में पूछा गया था, जो ये दोस्तों महाराष्ट्र ने सबसे पहले शुरुआत की थी। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? दोस्तों, जो बादशाह अकबर थे उन्होंने सन 1601 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कराए जाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, आप गारंटी के साथ है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। कौन सा? दोस्तों, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों, जो अंडे की जर्दी होती है येल्लो कलर की होती है, अंडे की वाइट कवर के बीच में जो येल्लो जर्दी आती है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा? दोस्तों, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी थी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस, उसके प्रसिद्ध सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति थे। कौन थे? दोस्तों, NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? दोस्तों, 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का संविधान वर्ष 1956 में अपनाया गया था। कब? दोस्तों, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसा भौतिकी के बल के सिद्धांत का एक उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते ने किस संस्थान का निर्माण किया था? दोस्तों, जो ब्रेटन वुड्स का समझौता हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सी छूत की बीमारी है जिस जो छूने से होती है वो दोस्तों क्षय रोग है? कौन सा? क्षय रोग।
नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों फ्लाइट ऑफ पिजन जो पुस्तक थी उसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? दोस्तों जो जीवित जड़ सेतु है मेघालय में देखी गई थी। किसमें दोस्तों? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, जीके के, तो पूरे 25 क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बफर स्टॉक कहा जाता है। क्या दोस्तों? बफर स्टॉक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो हो जाएगी वोल्गा। कौन सी है दोस्तों? वोल्गा। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस तो 2 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 2 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको राजीव गांधी राष्ट्रीय संदावन पुरस्कार 2018 से नवाजा गया था? सद्भावना पुरस्कार था 2018, राजीव गांधी उससे पुरस्कार से गोपाल कृष्ण गांधी जी को नवाजा गया था। किसको दोस्तों? गोपाल कृष्ण गांधी जी को। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुंदवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो लोकप्रिय नृत्य है कुंदवी वह गोवा से संबंधित है। किससे दोस्तों? गोवा से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के निर्देशक सिद्धांत तो की विशेषता किस देश से ली गई है? भारत में जो निर्देशों के सिद्धांत की विशेषता है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किससे दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल के एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एसएससी जीडी की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी दोस्तों, आपको वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।